चलिए नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही आप सबों की प्रिपरेशन? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से आप सबों की चल रही होगी। देखिए, करंट अफेयर्स पे भी आप लोग फोकस रहिएगा और रेगुलर वे में अगर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। छोड़ छोड़ के पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़िए तो चीजें आपको बेहतर मिलेगी और बेहतर तरीके से आप एग्जाम में उसे सॉल्व कर पाएंगे, उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो रिजल्ट भी आपका कन्फर्म होगा। ये ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में एक बड़ा पोर्शन होता है, तो इसको बिल्कुल भी ये मत सोच के तैयारी कीजिए कि एग्जाम से कुछ पहले हम इसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, आधा घंटा समय निकालिए, इस वीडियो को देखिए और एक शेड्यूल तय कीजिए कि इस समय हमें वीडियो को देखना है, चाहे वो कोई भी समय हो सकता है, तो तैयारी आपकी बेजोड़ होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 11 नवंबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह सारी जानकारी यहाँ पर हम आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था, ये प्रश्न था कि नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बिहार। अच्छा, कोशिश कीजिए कि जो भी छात्र पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है आपके एग्जाम में, तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के साथ, इस सीरीज के साथ, इस चैनल के साथ बने रहिएगा, निश्चित तौर पर यहां से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में एससी एसटी बीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर चार वर्गों की बात हो रही है और अभी हाल ही में जो ये घोषणा हुई या प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया बिहार कैबिनेट के द्वारा, इसके आधार पर राइट आंसर होगा 65% करने के प्रस्ताव को मंजूर दिया गया है। प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में चार ही वर्ग के बारे में, चार ही कैटेगरी के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में हम विस्तृत तौर पर बात करते हैं। आप सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में बिहार में जाति आधारित जो जनगणना हुआ था उसका एक विस्तृत रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया विधानमंडल में। अच्छा, ये डेट भी हमने आपको बताया था कब जारी किया गया, तो 7 नवंबर 2023 को यह विस्तृत तौर पर जारी किया गया। हालांकि आंशिक तौर पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था और उस समय हमने जो भी डेटा सामने आया था उसका वीडियो आपको दिया था और विस्तृत तौर पर हमने चीजें आपको बताया था। उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अभी भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में जो हमने चर्चा किया है, जो आरक्षण का जो कोटा है वो बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा गया कि बिहार सरकार ने हाल ही में जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश किए हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि जातिगत सर्वे की रिपोर्ट को देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, तो इसके लिए आरक्षण के कोटे को बढ़ाने की जरूरत है। जिसके बाद अभी हाल ही में बिहार कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। अब यहां पर देख सकते हैं पहले आरक्षण का कोटा कितना था ये चारों वर्गों का और अब कितना देने की घोषणा हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो चार वर्गों की हम बात कर रहे थे, इनमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दूसरा होगा पिछड़ा वर्ग और उसके बाद अनुसूचित जाति और फिर अनुसूचित जनजाति। ये चार वर्गों की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ईबीसी को 18% आरक्षण था, अब 25 किया गया। बीसी कैटेगरी की बात करें तो 12 से 18 किया गया। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की तो 16 से 20 किया गया और वहीं पर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1 से 2% किया गया। एक जानकारी यहां पर यह है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है और ऐसे वर्ग यानी कि ईबीसी कैटेगरी में आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 10% रखा गया। अब यहाँ पर अगर हम इसको भी इसमें इंक्लूड कर दें, मतलब ये पांचों कैटेगरी को हम ध्यान रखें, तो आप यहाँ पर 65% के बदले 75% यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 10% जो है ये हमने प्रश्न के आधार पर ये चार कैटेगरी में 65% यहाँ पर हमने लिखा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो आप फंस सकते हैं। वो सारी पॉसिबिलिटी, वो सारी संभावनाओं को ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। हालांकि जाति आधारित जनगणना के जो आंकड़े हमने आपको दिए थे आप वीडियो में देख लीजिएगा, लेकिन एक विस्तृत वीडियो एमसीक्यू फॉर्मेट में जहां पर चीजें हम आपको देंगे वो जल्द ही चैनल पर आने वाली है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर वहां से खास करके जाति आधारित जनगणना के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो हमने वहां पर कवर किया है, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में प्रति गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? देखिए
जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जाति आधारित जनगणना की आई थी, इसके बाद ही ये भी घोषणा हुई है। तो इसके आधार पर जो इसका राइट आंसर होगा, 2 लाख रुपए प्रति परिवार देने की घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। अब इसके बारे में चीजों को हम देख लेते हैं कि हाल ही में 7 नवंबर 2023 को बिहार सरकार की ओर से जाति सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट विधानमंडल में पेश की गई। अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी हमने आपको दिया था, और रिपोर्ट के आधार पर, हालांकि यहाँ पर जो जानकारी लिखा गया है ये जानकारी हमें मिल चुका था 2 अक्टूबर को ही, जो आंशिक तौर पर ये डेटा जारी हुआ था। तो इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में 2.97 करोड़ परिवार है इस समय, मौजूदा समय में, इस रिपोर्ट के आधार पर। और आपको ध्यान रखना, जिनमें से 94 लाख से अधिक आबादी, तकरीबन 34.13% जो आबादी है यहाँ पर गरीब है। गरीबी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, अच्छा चलिए इसको मैं डिटेल में आपको बता दूं, बिहार सरकार ने जो ये रिपोर्ट जारी किया है इसमें वैसे परिवार को गरीब कहा गया है जिसकी मासिक जो आय है वो 6,000 रुपये से कम है, यानी कि दिन का अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 200 रुपये से कम जिनकी जो आमदनी है, जो आय है, उसको कहा गया है गरीब। तो आपको ध्यान रखना, जो जानकारी हमने आपको दिया कि 2.97 करोड़ परिवार बिहार में है और जिनमें 94 लाख से अधिक जो परिवार है, प्रतिशतता के दृष्टिकोण देखें तो 34.13% परिवार यहाँ पर गरीब है, यानी कि जिसकी जो आय है ये 6,000 रुपये या उससे कम है मासिक आय, यानी कि उसी पर वो जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात एक दिन में 200 रुपये से भी कम है उनकी आय। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने घोषणा किया कि सभी वर्गों के लिए, जो भी गरीबी कैटेगरी में है, जो भी गरीबी में शामिल है, जो भी गरीबी से जूझ रहे हैं, तो वैसे लोगों, यानी कि जो 94 लाख इस सूची में है, तो 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। ये घोषणा अभी हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक जानकारी ये भी है, कुछ कंडीशन है कि जिसके लिए हर साल, अच्छा ये तो अलग हुआ, जिसके लिए 50-50 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि बिहार में जो कुल आबादी है उसका 0.24 जो है आबादी वो आवासहीन है, यानी कि उनके पास कोई भी घर नहीं है। ये आप यहाँ पर देखिए, बिहार की कुल आबादी का 0.24% आवासहीन है, जिन्हें 40,000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा, यानी कि जो 2 लाख की यहाँ पर चर्चा किया गया है उसमें अगर इस चीज को ध्यान रखें तो उन्हें 40,000 रुपये अधिक मिलेगा। ये सारी घोषणाएं अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। इलेक्शन आने वाला है, बहुत सारी घोषणाएं हो रही है, वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है। अच्छा, बात यहाँ पर यह भी आती है कि इससे पहले हमने कभी भी इस तरह की घोषणाएं बिहार सरकार को करते हुए नहीं देखा, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, खास करके अगर बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम की बात करें तो एग्जाम संपन्न हुआ, दोबारा उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, सारा कार्य एकदम तेजी में हो रहा। और आप सबों के पास भी एक सुनहरा अवसर है, पता नहीं फिर कब आएगा, इलेक्शन के बाद जब 5 साल गुजरेगा, 6 साल गुजरेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये आपके पास सुनहरा अवसर है, लगे रहिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीटें बहुत अधिक है। और तैयारी देखिए, अभी मैं आपको ये बता दूं कि वैसे लोगों का फर्स्ट फेज में सिलेक्शन हुआ है, 1-2 वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि हमने बताया भी था, ऐसे हजारों लोग अपने आसपास भी देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि अगर आप उनसे एक प्रश्न पूछ देंगे तो वो आपको नहीं बता पाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो अगर उनका हो सकता तो आपका भी जरूर होगा, मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, बने रहिए, बिहार सरकार अभी मूड में है तो आप भी यहाँ से फायदा उठा सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इन सब के बारे में ध्यान रखिएगा, आगे हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो गरीबी की बात हुई, बिहार में 94 लाख जो गरीब है, 94 लाख परिवार जो गरीब है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एक रिपोर्ट आई थी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हालांकि हमने जानकारी आपको दिया था कि आबादी के हिसाब से जो सबसे गरीब राज्य है भारत का वो है बिहार, इस चीज को ध्यान रखेगा, आबादी के आधार पर, आबादी के हिसाब से सबसे जो ज्यादा गरीब राज्य है वो है अपना बिहार, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखे। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी जो सूचकांक जारी हुए थे उसके बारे में बिहार के संदर्भ में यहाँ पर चीजें रखी गई है, हालांकि कल भी हमने आपको बताया था, फिलहाल यहाँ पर चलते हैं आगे। अच्छा, आगे जाने से पहले एक जानकारी आप सबों के लिए है कि इस दिवाली आप सबों के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर एक खास ऑफर है, ध्यान रखिएगा, अगर आप 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं या फिर बीपीएससी टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, हमारे जितने भी एकदम महत्वपूर्ण नोट हैं, जो नोट्स हम आपको देते हैं, जो बेहतरीन क्वालिटी का है, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, जिसमें सिलेबस आधारित नोट्स, करंट अफेयर्स, वो सभी चीजें, टेस्ट सीरीज आदि इंक्लूडेड होगा, एप्लीकेशन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप सभी के लिए एक ऑफर है, हमारे टीम की तरफ से ये ऑफर आपको दिया जा रहा है। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आप प्रयोग करेंगे इस प्रोमो कोड का, प्रोमो कोड है DEEP70, यानी कि DEEP70,
डीप 70 ये प्रोमो कोड है, आपको ध्यान रखना, ये ऑफर आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। ये एक सुनहरा अवसर है और 15 नवंबर 2023 तक के लिए वैध है, तो जो लोग इच्छुक हैं आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप सबको एक जानकारी ये भी दे दूं, जितना मेटेरियल खास करके करेंट अफेयर्स का आपका छूट चुका है, जो मतलब 2022 से अब तक का, वो तमाम चीजें आपको मिल जाएगी, और जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे उससे आगामी आपको रेगुलर एक साल तक मिलते रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, जो लोग इच्छुक हैं ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 7 नवंबर 2023 को कहां पर 12 वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया, ये कहां पर किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ये अभी गुजरात में किया गया, गुजरात में एक स्थान है वापी, तो वापी गुजरात में अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ये यहां से ध्यान रखना आपको। चलिए अब यहां पर इसके बारे में हम बात करते हैं विस्तार से। तो हाल ही में 7 नवंबर 2023 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा वापी गुजरात में ज्ञान धाम स्कूल में, ये एग्जैक्ट वो प्लेस है, तो ज्ञान धाम स्कूल में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया। इसकी संख्या भी आपको ध्यान रखना, कितना केंद्रों का, तो 12 वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। और साथ ही उन्होंने यहाँ पर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लेने वाले 6 ग्राहकों को 10 लाख रुपए का चेक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जीएसटी की जो बात हुई है, कॉमन रूप से इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि अगर कोई कर है, जैसे मान लीजिए जीएसटी है एक प्रकार का टैक्स, एक प्रकार कर, तो आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, विकल्प में इस तरह के होंगे। तो जीएसटी जो कर है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर इसकी शुरुआत की हम बात कर रहे थे, तो 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, निर्मला सीतारमण और जीएसटी की बात हुई, तो ऐसे में की ध्यान रखें, जुलाई 2023 में हमने आपको जानकारी दिया था कि निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया था, और इसकी जानकारी और भी हमने आपको दिया था। हालांकि जीएसटी की बात हुई है, तो जीएसटी के बारे में कंप्लीट जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं, कई बार यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक से पॉइंट है जीएसटी से संबंधित, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। जीएसटी का जो पूरा नाम होता है इंग्लिश में, यानी कि जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, जो कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। ये चीजें यहां से ध्यान रखना आपको, इसका जो प्रकृति है इस कर का, वह है अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लाया गया था, और आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। अच्छा, जीएसटी सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा, लेकिन भारत की बात करें आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ। अच्छा, बिहार के संदर्भ में एक जानकारी आप ध्यान रखेंगे, मई 2023 में राजस्थान सरकार ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने की घोषणा किया था, बकायदा वहां से एक टीम भी बिहार भेजा था इसके अध्ययन के लिए, तो ये राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। अच्छा, यहाँ पर वो पॉइंट हमने लिख दिया कि सबसे पहले 1954 में जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। अच्छा, 1954 वही ईस्वी है जिस समय भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ था, और उस समय जो चीन के उनके समकक्ष थे वो थे चाउ एन लाई। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है 1954 से संबंधित, जो हमने अभी जानकारी आपको दिया पंचशील समझौता के बारे में, ये आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में 8 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है, ये संग्राम नामक एक जहाज है जिसे अभी हाल ही में 8 नवंबर 2023 को सेवा मुक्त किया गया। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी जानकारी है, जो कि इससे पहले एक जहाज समर को सेवानिवृत्त किया गया था 4 नवंबर 2023 को, इससे 4 दिन पहले। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं, आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 8 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के जहाज संग्राम को गोवा के
मोरमुगाव पोर्ट अथॉरिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सेवा मुक्त किया गया। अच्छा, अगर हम बात करें इस जहाज को कब कमीशन किया गया था, तो यहाँ पर इसको लिखा गया है कि 14 फरवरी 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा गोवा में इसे कमीशन किया गया था, यानी कि इसे लॉन्च किया गया था। अर्थात लगभग 27 साल की सेवा के बाद अभी हाल ही में इस जहाज जो कि जिसका नाम है संग्राम, ये सेवा मुक्त हुआ। हालांकि ये हुआ है 8 नवंबर 2023 को। इससे पहले 4 नवंबर 2023 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा, 4 नवंबर 2023 को भारत तटरक्षक जहाज समर को कोच्चि में सेवा मुक्त किया गया था। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये दो जहाज अभी रिसेंटली सेवा मुक्त हुए हैं, तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे। पांचवा प्रश्न है कि इस देश को हराकर भारत ने 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। पिछले वर्ष भी हमने आपको जानकारी दिया था, हालांकि इस वर्ष की बात करें तो भारत ने जो कांस्य पदक अपने नाम किया है पाकिस्तान को हराकर किया है। तो विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, पिछले वर्ष जब इसके 10वें संस्करण के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था, आपको बताया था कि भारत ने इसने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इसका जो खिताबी मुकाबला है वो भारत ने अपने नाम किया। तो वही सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर लिखी गई है कि 11वें सुल्तान जौहर कप 2023 का जो आयोजन है ये 27 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक मलेशिया के जौहर में किया गया। नोट कीजिएगा, ये इसका 11वां संस्करण था। और ये सुल्तान जौहर कप जो संबंधित है किस खेल से है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हॉकी से संबंधित है। देखिए यहाँ पर लिखा गया अगले पॉइंट में कि पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को हराकर भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया और भारतीय टीम के कप्तान थे उत्तम सिंह। अच्छा, अगर भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है तो पहले और दूसरे स्थान पर कौन रहा, यानी कि जो फाइनल मुकाबला खेला गया इसमें आपको ध्यान रखना, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, तो जर्मनी ने इस खिताब को अपने नाम किया ऑस्ट्रेलिया को हराकर। अर्थात ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर रहा, जर्मनी पहले स्थान पर रहा और अपना भारत पाकिस्तान को हराकर तीसरे स्थान पर रहा। लेकिन इसके पिछले संस्करण की अगर हम बात करें, जो 10वां संस्करण था जो मलेशिया में ही आयोजित हुआ था, आपको ध्यान रखना अक्टूबर 2022 में ये आयोजित हुआ था। और सुल्तान जौहर कप जो 10वां संस्करण था, इसका जो खिताबी मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने अपने नाम किया था, ये यहाँ पर ध्यान रखें। और भारत के संदर्भ में आपको ये भी ध्यान रखना, यह भारत का तीसरा खिताब था। इससे पहले भारत ने 2013 और 2014 में इस खिताब को अपने नाम किया था। तो कुल मिलाकर भारत ने 3 बार जो खिताब को अपने नाम किया है, एक तो 2013, 2014 और फिर 2022 में, यानी कि पिछले वर्ष। तो कुल मिलाकर भारत ने इस खिताब को अपने नाम 3 बार किया है और इस जीत के साथ भारत ग्रेट ब्रिटेन के साथ सबसे सफल टीम है इस कप को, यानी कि सुल्तान जौहर कप को अपने नाम करने वाला, जो कि भारत और ग्रेट ब्रिटेन 3-3 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। ये चीजें समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पर भी हमने कर दिया है, सेम चीजें जो यहाँ पर लिखी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से चीजें आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। कोशिश कीजिए कि ये तमाम चीजों को अपनी कॉपी में आप जरूर नोट करें। नोट अगर आपके पास बना हुआ रहेगा तो एग्जाम से पहले एक प्रकार से आप रिवीजन उसे दे पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जाम से पहले आपको पढ़ना है, बल्कि रिवीजन देना है फास्ट फास्ट में। तो अपने से अगर लिखा हुआ रहेगा तो आपको रिवीजन देने में काफी आसानी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग करते क्या है कि पीडीएफ प्राप्त करते हैं बीपीएससी मेकर ऐप से, तो पीडीएफ जो मासिक पत्रिका हमारी आती है तो उसके माध्यम से भी रिवीजन आपका बेजोड़ होगा। ये तमाम चीजें जो भी यहाँ पर वीडियो सीरीज में आप देख रहे हैं, ये तमाम चीजें डेली बेसिस पर आप पीडीएफ के माध्यम से वहां पर प्राप्त कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। चलिए हम छठे प्रश्न पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है हितेश कुमार एस मकवाना को, यानी कि विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का, हितेश कुमार एस मकवाना इनका पूरा नाम है, जो अभी हाल ही में भारत के नए महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, ये ध्यान रखें। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कई सारी नियुक्तियां हुई है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार आपको पढ़ के सुना दूं, जैसे कि तमिलनाडु कैडर के ये 1995 बैच के अधिकारी हैं हितेश कुमार एस मकवाना, जो भी हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नीरज वर्मा, दूर संचार विभाग में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के प्रशासक, साथ ही कर्नाटक कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी ऋत्विक रंजन पांडे को 16वें वित्त आयोग आर्थिक मामलों के विभाग में एडवांस सेल के लिए विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त 2 अन्य नियुक्तियां हुई, जैसे कि यहां पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग अग्रवाल को विदेश मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार और
मध्य प्रदेश कैडर की 1997 बैच की आईएएस अधिकारी पल्लवी जैन गोविल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की महानिदेशक नियुक्त किया गया। यह नियुक्तियां हाल ही में भी है। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है जो महासर्वेक्षक के बारे में जानकारी दिया, बल्कि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, इसे रट लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे हम बात करें, भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होते हैं, चाहिए यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, वहीं पर आगे लिखा कि जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखेगा, 1861 ईस्वी में लॉर्ड कनिंघम को, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है और वे भारत के पहले पुरातत्व सर्वेक्षक बने थे, ये ध्यान रखेगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए, यहाँ पर वही चीजें लिखी गई है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अगले सातवें प्रश्न पे। हमारा सातवां प्रश्न है कि भारत ने कहाँ हाल ही में सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से अभी हाल ही में यह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, यानी कि इसका परीक्षण किया गया। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं इसके बारे में कि हाल ही में 7 नवंबर 2023 को भारत ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दो तीन पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इस मिसाइल का नाम क्या है, कब लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया और ये किस प्रकार का मिसाइल, तो सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे यहाँ पर हमारा पॉइंट है इसके बारे में कि प्रलय जो मिसाइल अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया, तो कम दूरी की जो मिसाइल है तो 350 से 500 किलोमीटर कम दूरी की सतह से सतह मार करने में यह सक्षम है। अगर हम इसकी बात करें पेलोड क्षमता की, तो आपको ध्यान रखना 500 से 1000 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में यह सक्षम है। इसकी जो भार क्षमता है वो 500 से 1000 किलोग्राम है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि इसे किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया गया। चलिए, इसे स्किप करते हुए हम चलते हैं अगले आठवें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अभी हाल ही में V. चंद्रशेखर जो कि CBI के संयुक्त निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि V. चंद्रशेखर। तो ध्यान रखेंगे 7 नवंबर 2023 को गुजरात कैडर के 2000 बैच के IPS अधिकारी V. चंद्रशेखर को केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया और वे अगले 5 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। फिलहाल इस नियुक्ति को भी ध्यान रखना है। इस प्रश्न से इतना ही यहाँ पर हमने शामिल किया, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर होगा नवा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दिया है। ये बहुत ज्यादा खबरों में है, अभी हाल ही में इसे मंजूरी दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी दिया है। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है राज्य में और सरकार द्वारा यह नीति 2027-28 तक संचालित की जाएगी। ये यहाँ पर जानेंगे कि ये इसका कार्य अवधि होगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर विस्तार से, तो भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक के रूप में जाना जाता है जो कि भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली देश की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था है। ये जानकारी हमने कई बार आपको दिया है कि भारत से जो आयात निर्यात होता है वो एक्जिम बैंक ही उसको देखता है। अच्छा, इसका अगर हम बात करें परिचालन की, तो संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी इस बैंक की, तो ये तमाम चीजें फिलहाल यहाँ जानकारी। अच्छा, यहाँ पर जो निर्यात की बात हुई है, तो निर्यात को लेकर भी अभी हमने जानकारी आपको दिया था कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक निर्यात सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया था। इस इंडेक्स के बारे में बिहार को ध्यान रखते हुए हमने वो तमाम चीजें यहाँ पर शामिल की है जो आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट इंडेक्स जो अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया, अगर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार को देश भर में ओवरऑल 22वां स्थान मिला। यह ध्यान रखिएगा, ओवरऑल 22वां स्थान बिहार को मिला है, अर्थात बिहार भी अब धीरे धीरे निर्यात के हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि बिहार की जो निर्यात में भागीदारी है वो बहुत ही कम है, 0.52%, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है जो बिहार की भागीदारी है वो 0.52% है, लगभग आधा परसेंट बिहार की भागीदारी है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें बिहार में जिलों की श्रेणी में निर्यात किस जिला से सबसे अधिक होता है,
तो वो जिला है बेगूसराय। अच्छा, सिमरिया धाम जो अभी हमने कुछ में पहले आपको जानकारी दिया था, इसका सौंदर्यीकरण जो किया जाएगा वो बेगूसराय में ही है। सिमरिया धाम, सिमरिया रिवर फ्रंट, वो बेगूसराय से ही संबंधित है। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, ओवरऑल बिहार को निर्यात में 22वां स्थान मिला, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य पैमाने हैं, इसमें अन्य पैमानों में बिजनेस इकोसिस्टम में बिहार को 27वां स्थान मिला, निर्यात नीति में 13वां, निर्यात इकोसिस्टम में 25वां, निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां और लैंडलॉक स्टेट से होने वाले निर्यात में बिहार को 9वां स्थान मिला है। तो निर्यात को लेकर जो नीति आयोग ने भी हाल ही में जानकारी साझा की, जो रिपोर्ट जारी की है, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे अगर बिहार से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनते हैं तो। चलिए, अच्छा, यहाँ पर इसके अतिरिक्त और भी कई सूचकांक जारी हुए थे, ये भी हमने आपको बताया था। एक्सपोर्ट इंडेक्स में तो 22वां स्थान है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को लेकर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी भारत सरकार की, बिहार इसमें शीर्ष स्थान रहा। बिहार का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा वो 10.64% रहा। इसके बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में शीर्ष स्थान, ई राजस्व अर्जित करने में शीर्ष स्थान, और अभी हमने जानकारी दिया कि जो आबादी के हिसाब से सबसे अधिक गरीब राज्य वो बिहार है। दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे पीछे है, पहले है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इसमें पहले स्थान पर है। पोषण दरता सूचकांक 2023 से रिसेंटली जारी हुआ था, इसमें पंजाब शीर्ष पर था, अपना बिहार सबसे पीछे है। ये रिसेंटली अभी हाल ही में कुछ सूचकांक आए थे उसको लेकर ये जानकारी है। चलिए आगे, 10वां प्रश्न है कि भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पादों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आशय पत्र MOI पर हस्ताक्षर किया है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक होता MOU, एक होता MOI। तो MOI पर अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षर हुआ है या फिर समझौता हुआ है, तो राइट आंसर होगा नीदरलैंड। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खोबा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल 6 से 8 नवंबर 2023 तक हेग, जो कि नीदरलैंड में एक स्थान है, हेग में आयोजित दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक में भाग लिए थे। अच्छा, हेग की जो चर्चा हुई यहीं पर नीदरलैंड के हेग में ही, जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद आगे लिखा कि यहीं पर भारत और नीदरलैंड ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग करने और दोनों देशों के बीच चिकित्सा उत्पादों और साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो हस्ताक्षर कहाँ हुआ है, तो हेग में हुआ है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर बनाया गया एक मंच है, और इसका उद्देश्य दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाना है, जिसको लेकर WHO की तर्ज पर इसका एक प्रकार से शुभारंभ किया गया था। अब यहाँ पर WHO की बात हुई है, फिलहाल इतनी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। WHO की बात हुई तो इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना, 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें WHO की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा में इसके अतिरिक्त और भी कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये तमाम, ये जो चार आपको संस्था दिख रहा है, ये सभी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और ये सभी का जो मुख्यालय, जो हेडक्वार्टर है, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 11 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कहां वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन किया गया, तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है लंदन में। तो विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ब्रिटिश राजधानी लंदन में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया, और इसमें अतुल्य भारत मंडप का भी निर्माण किया गया था। इसका औपचारिक उद्घाटन, जो अतुल्य भारत मंडप का आयोजन उद्घाटन यहाँ पर हुआ वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में, आपको ध्यान रखना, इसमें भारत का मतलब जो भारत मंडप था, अतुल्य भारत मंडप, इसका उद्घाटन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव सुश्री वी विद्यावती और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी ने किया, ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, उच्चायुक्त शब्द का जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है, एक बार पुनः मैं दोहरा दूं, हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि किसी देश के लिए राजदूत शब्द का प्रयोग होता है, किसी देश के लिए उच्चायुक्त का, हालांकि दोनों सेम है। आपको हमने बताया था कि जो भी देश राष्ट्रमंडल देशों की श्रेणी में है उसके लिए उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग होता है, और बाकी के लिए राजदूत। अच्छा, हम कैसे समझेंगे कोई देश राष्ट्रमंडल देश है, तो इसको लेकर हमने जानकारी दिया था कि वो देश जो कभी न कभी ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन से जुड़ा हुआ था, और किसी संधि के परिणाम स्वरूप उसे आजादी मिली हो, तो वैसे देश को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। अथवा इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत भी, अपना भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि भारत की तरफ से विभिन्न राज्य और कुछ संस्था सहित, इसमें बिहार भी शामिल था, तो कुल 47 प्रतिभागी अतुल्य भारत मंडप में भाग लिए थे।
तो इसमें बिहार भी शामिल था, ये ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे किसे पहला यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया गया। ये अभी हाल ही में अमेरिका में आयोजित हुआ था, तो न्यूयॉर्क शहर को इसका विजेता घोषित किया गया। तो विकल्प नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। पहली अमेरिकी राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप हाल ही में न्यूयॉर्क सिख सेंटर में संपन्न हुई, जो कि आपको ध्यान रखना गतका चैंपियनशिप जो कि एक सिख मार्शल आर्ट है, और अभी हाल में न्यूयॉर्क शहर को यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया गया। ये इसका पहला संस्करण था, उद्घाटन संस्करण था, न्यूयॉर्क शहर को पहला विजेता घोषित किया गया, ये यहाँ पर ध्यान रखें। हालांकि कुछ चीजें और भी लिखी गई हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार विधानमंडल में जातीय सर्वे के आंकड़े पेश किए गए, बताएं कि बिहार में ग्रेजुएट आबादी कितनी प्रतिशत है। कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और इसकी जानकारी वहां पर हमें विस्तृत तौर पर दीजिए, इस बारे में लिखिए वहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। और जानकारी हमने ऑफर के बारे में आपको दिया था, आप ऑफर का लाभ लेने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे DEEP 70। इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके वहां पर एक तो कोर्स में ऑफर चल ही रही है, लेकिन इस प्रोमो कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आप एडिशनल डिस्काउंट पा सकेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।